हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किचन पार्टनर्स टीएम में एक नई रेसिपी के साथ, जिसका नाम है भरवा बैंगन। बहुत टेस्टी है, चटपटा है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये डंडी वाला है, एक बार बना के देखिएगा, बार बार बनाएंगे आप, और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बैंगन लेते हैं। देखिए, गोल वाले बैंगन होते हैं मार्केट में, बहुत तरह के बैंगन होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा लंबे भी होते हैं। आप प्लीज़ ऐसे वाले बैंगन लीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगन में कोई छेद नहीं होना चाहिए, छेद होगा तो उसमें कीड़ा होता है। तो बैंगन को धोकर सुखा कर इस तरीके से चार कट लगाने हैं हमें। जैसे ही कट लगाएंगे तो उसके अंदर भी देख लेना है कि वो कीड़े वाला तो नहीं है। अगर कीड़े वाला होगा तो उसमें काला कालापन होता है, वो हमें नहीं रखना, ध्यान से काटना है अच्छे से। इस तरह से हम सारे बैंगन काट लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ईजी रेसिपीज डालने के लिए मैं देरी ना करूँ और आपको सबसे पहले दिखे, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा। सारे बैंगन इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। आर साइड में हम एक बॉल लेते हैं, बॉल में मसाला बना लेते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च। आमचूर पाउडर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सूखा धनिया, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेने हैं हल्के हाथों से हिलाकर। मिक्स हो चुका है और इस तरह से हमने बैंगन उठाना है, बैंगन के अंदर तक ये सारा मसाला फिल कर देना है। देखिए, सारा ही हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। सेकंड वाला भी कर लेते हैं। सारे बैंगन हमने फिल कर लिए हैं मसाले के साथ। साइड पर हम एक कढ़ाही में कुकिंग ऑयल डालते हैं। अगर आप ये सूखी सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे और भी टेस्टी लगेगी। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो उसमें हम बैंगन डाल देंगे। गर्म हो चुका है हमारा सरसों का तेल, इसमें हम धीरे धीरे बैंगन डाल देते हैं। पहले स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा ताकि छींटे ना आए, कोई भी सब्जी डालते हुए बैंगन डालते हुए, कोई भी सब्जी डालते हुए तेल में छींटे ना आए। जैसे हम बैंगन डाल देते हैं तेल में तो हाई फ्लेम होना चाहिए, सबसे पहले हाई फ्लेम। जैसे ही थोड़े थोड़े हमारे बैंगन पक जाएंगे तो उसको स्लो फ्लेम पे हमने रख देना है। सारी सब्जी हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकानी है। अगर हम सारी सब्जी हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ऊपर से तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद हमने स्लो फ्लेम कर देना है, ताकि वो स्लो फ्लेम में धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से बैंगन पक जाए। देखिए, हमारे बैंगन इस तरह से हो जाएंगे लास्ट में, और इसमें हमने हरी मिर्च काट कर डाल देनी है। कट लगा कर हरी मिर्च में इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से हमने बैंगन को हिलाना है। हमने बैंगन को जल्दी जल्दी नहीं हिलाना, अगर हम जल्दी जल्दी हिलाएंगे तो बैंगन टूट जाएंगे और उसकी डंडी निकल जाएगी। बिना डंडी के खाने का तो मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से बैंगन को इंजॉय करना है तो डंडी के साथ कीजिएगा। इस तरह से हमने सारी मिर्च को भी पका लेना है। हल्के हाथों से सारी सब्जी को हिलाकर
इस तरह से थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देंगे ताकि ये मिर्च भी पक जाए। देखिए इस तरह से हो जाएंगे लास्ट में हमारे बैंगन, देखिए अंदर तक भी पक चुके हैं और हरी मिर्च भी इस तरह से हो जाएगी जब पक जाएगी। तो यहाँ पर हमारे बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं, तो हम इसमें सर्व करते हैं। प्लेट ले लेते हैं, प्लेट में हम धीरे धीरे सर्व करते हैं। देखिए बहुत टेस्टी लगेगा, इसको रायते के साथ आप खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट परांठे के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी नान के साथ, साथ में रायता हो या फिर लस्सी हो उसके साथ खाएंगे तो मज़ा तो आपको दुगना आ जाएगा। आप एक बार इंजॉय करके देखिएगा, इस तरह से बैंगन बना के खा के देखिएगा तो आप बार बार बनाएंगे और बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में और खाने में भी टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक तो अभी बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा साथ के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा इजी रेसिपीज़ के लिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दीजिए साथ ही साथ। और जल्दी जल्दी से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।